सर, मैजिक वाहनों को लेकर जो है कार्रवाई एक ट्रैफिक विभाग ने आज देवास में की है, क्या वो कार्रवाई है और किस तारतम्य में की है, क्यों जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और कितनी संख्या जो है मैजिक को जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उज्जैन शहर में, देवास शहर में लगभग 700 मैजिक हैं और इनको अभी 10 दिन पहले हमने मीटिंग लेके इनको समझाइश दी थी, सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई कि आपको अपने उसमें सुधार लाना है। ये कहीं भी इससे सवारी उठाते हैं, स्टॉपेज इनकी कुछ निर्धारित नहीं है, कहीं भी खड़े होते हैं, अप्रोचिंग रोड है, मेन टी है, चौराहा है, मेन मेन व्यस्तम वहाँ ये लाइन बना के कतारबद्ध तरीके से खड़े हो जाते हैं, जिससे कि यातायात में व्यवधान होता है और जाम लगने की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या समझाइश देने के बाद इनको सब बताया, सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। और दूसरा, इनकी गाड़ियों में, लगभग गाड़ियों में परमिट फिटनेस समाप्त हो चुके हैं, इनका कहना है कि RTO साहब नहीं बना रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। पर हमने कहा आप जाइए चर्चा करिए, क्यों नहीं बनाएंगे, सब बनाते हैं, आप कागज़ रखिए अपने, फीस वगैरह जो जमा है उससे, बिना परमिट के और बिना कागजात के तो गाड़ी नहीं चल पाएंगी, ऐसा इनको बताया। तो फिर इनकी उसमें कोई सुधार नहीं आया, तो फिर मैंने 10-12 दिन बाद उनकी, आज हमने कार्रवाई की है, लगभग 30-35 मैजिक बंद करी है। क्या आगामी कार्रवाई इन पर होगी अभी बंद करी? एक तो हमको इनका पूरे पेपर वगैरह अपडेट चाहिए, दूसरा जो मैन है जहाँ इनके स्टॉपेज हैं और एक साथ में 3-3, 4-4, 5-5 खड़े होके और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा करते हैं, वो देखना, जनता से दुर्व्यवहार करते हैं वो चीज़ देखना है। और यूनिफॉर्म में रहेंगे, सभी को बोला यूनिफॉर्म धारण करेंगे, अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, जब से कोई जनता के आदमी से या किसी के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं तो इनका नाम पढ़ के वो शिकायत कर सकें। यातायात सुधार की दिशा में मतलब एक कदम है ये। मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि अच्छी व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ तमाम हमारी मीटिंग वगैरह दे रहे हैं उसमें, और आने वाले समय में और आपको ट्रैफिक की व्यवस्था में